Assalamu alaikum guys, today in this video I will tell you about some short tricks of hyperbola which is also called the SWOT method. By help of this technique you can easily solve multiple MCQs of hyperbola just in 10 seconds. You can easily find what is a center and general form of hyperbola. So I have a first question or first equation of hyperbola. सो आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन को आप लोगों ने डेरिवेट करना है. अब डेरिवेट इजीली इस तरह जो नहीं, आपके इक्वेशन है डेरिवेट नहीं कर देना. आपने क्या करना है, वाई को एज अ कांस्टेंट लेना है और एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है. तो 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 18x. 72x का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस 72, और इज इक्वल टू 0 ले लेना आपने और x की वैल्यू इसीलिए फाइंड कर ली. इसी तरह जब मैं y पे डेरिवेटिव लगाऊंगा तो x को आप कांस्टेंट लेंगे. देखें, कांस्टेंट जब किसी चीज़ को ले रहे हैं इसका मतलब है उस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा. y पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, -16y² विच इज -32y बन जाएगा, और -32y का डेरिवेटिव -32 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू भी आ गई, x की भी आ गई, विच इज जो है ना हम लोगों ने सेंटर निकाल लिया. सेंटर हो गया x कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू -4 कॉमा वाई -1, और सेंटर को हम h कॉमा k भी बोलते हैं. सो अब हमें जो है ना वो जनरल फॉर्म मालूम करनी है, और देन जनरल फॉर्म के थ्रू हम वर्टिसेस और तमाम चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. जनरल इक्वेशन अब आपके सामने जो है वो लिखी हुई भी आ जाएगी. इसके अलावा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये SWOT मेथड मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें जो है क्रॉस टर्म्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे. x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, यानी x के नीचे ए स्क्वायर लिखा हुआ है. इसका मतलब है a की वैल्यू आप निकालेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, y स्क्वायर के साथ जो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ होगा, कॉफिशियंट लिखा हुआ होगा उसे लेंगे. साइन को इग्नोर कर दें, साइन नहीं लेनी आपने, सिर्फ कॉफिशियंट लेना है. और y के नीचे बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, देखिए y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो y के नीचे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने बी स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर के कॉन्स्टेंट से लेनी होगी. इक्वेशन के में x स्क्वायर के कॉन्स्टेंट से लेनी होगी, तो वहाँ से ले ली मैंने. अब देखिए, मैं फॉर्मूले में ए स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा 16, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा 9, और h कॉमा के सेंटर है, h की वैल्यू है -4, k की वैल्यू है -1. फॉर्मूला में एज इट इज पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो आपके सामने ये जनरल फॉर्म भी आ जाएगी. अब हमारा मिशन है वर्टिसेस को फाइंड आउट करना. सो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ए स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, 16, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 9, और जब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप रूट लेंगे तो ए की वैल्यू बन जाएगी 4 और बी की वैल्यू बन जाएगी 3. सो अब मैं आपको बताता हूं कि वर्टिसेस किस तरह फाइंड आउट करना है. वर्टिसेस देखें, जब आपका सेंटर 0,0 हो तो आप वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है ±1,0, लेकिन इस वक्त हमारा सेंटर 0,0 नहीं है, h कॉमा k है, और h की भी स्पेसिफिक वैल्यू है, k की भी. तो फॉर्मूला होगा h प्लस माइनस ए कॉमा k, h की वैल्यू भी पता है, a की भी आपको पता चल गई, k की भी पता चल गई. सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन और वैल्यूज को पुट करेंगे और वर्टिसेस आपके सामने आ जाएंगे इजीली. बस जो है आप लोगों ने क्या किया, जनरल फॉर्म से आपने वर्टिसेस इजीली निकाल लिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं. सो वैल्यूज़ को पुट करें और वर्टिसेस भी आपके सामने. सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. सेकंड इक्वेशन है हमारे सामने, और इसमें क्या करना होगा, देखें y को कांस्टेंट लेना होगा और x पे डेरिवेटिव अप्लाई करें. 25x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 50x, और -200x का डेरिवेटिव क्या होगा, -200, और बाकी सब कांस्टेंट है, इसका मतलब है सब 0 है, इक्वल टू 0 हो गया. और x की वैल्यू निकाल लें, और y पे डेरिवेटिव लगा रहे हैं तो x को कांस्टेंट ले लें, -144y² का डेरिवेटिव हो जाएगा -288y, और सेम -288y का डेरिवेटिव होगा -288, और y की वैल्यू भी आ जाएगी -1. और अगेन मैंने ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे निकाले, x के नीचे लिखा हुआ है 144, इसका मतलब है मुझे इक्वेशन में जाना है जो गिवन इक्वेशन है. तो आपने x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 144 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि x के लिए आपने जाना है इक्वेशन में y स्क्वायर का कोफिशियंट लेना है, और y के लिए x स्क्वायर का कोफिशियंट लेना है. इट्स मीन कि आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं उसी तरह क्रॉस में आपने जो है वो सिलेक्शन करनी है. फिर देन h की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 12, वर्टिसेस हो जाएगा h प्लस माइनस ए कॉमा के. So now students, your duty is to solve the remaining part of the video, which is vertices. So I also tell you about basically students, explaining the procedure takes pretty long time. So when you do it yourself, it does not take more than 10 seconds. So if you have any question related to ECAT or related to this topic or related to math, physics, so you can ask freely through comment box. Or thank you so much for watching this video. Khuda Hafiz.